हेलो गाइस, आई एम रोनिला। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं आ गई हूँ आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के पास एंड आप लोगों के एंड साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। एंड सभी लोग बाहर जाकर व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर करते हैं, लेकिन आज मैं वो घर में बनाने जा रही हूँ। एंड मैं जैसे बनाती हूँ ना, वो पूरा बाहर जैसा ही बनता है। एंड ये अगर आप घर में बनाते हो ना, तो इसके बाद से अगर आपको बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होगा कि आप बाहर जाकर व्हाइट सॉस पास्ता खाओ। तो अगर आपको जाना है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। एंड वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। तो आज का जो वीडियो है व्हाइट सॉस पास्ता का, तो वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट सॉस पास्ता के लिए हमने जो पास्ता लिया है वो हम बॉईल कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले पानी उबालने के लिए हमने रख दिया था, तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अभी हम इसमें जो पास्ता है वो हम डाल देंगे बॉईल होने के लिए। जो पास्ता है वो डाल दिया है एंड इसे हम थोड़ी देर के लिए पूरा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसे बहुत ज्यादा बॉईल मत करना, थोड़ा सा कच्चा रहते ही आप इसे निकाल लेना। ये हो गया है, आप देख लो, ये हो गया है। मैं अब इसको जो पानी है वो निकाल के इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडे पानी से मैं इसे धो लूं। थोड़े से वेजीज जो है वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है एंड इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अगर आप चाहो तो वेजीज ना भी तैयार कर सकते हो, आप सिर्फ सॉस भी तैयार करके उसमें पास्ता डाल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़े से वेजीज पसंद है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। तो हमारे प्याज जो है वो हल्का सा नरम हो चुका है, तो अभी हम जो वेजीज है वो डाल देंगे। यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से गाजर एंड कैप्सिकम, मैंने इसे लंबा लंबा काटा है। समय हम डाल देंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालना। मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छे से। अभी हम इसको कवर कर देंगे एंड इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हो चुका है एंड मैं ये कवर जो है वो हटा देती हूँ। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इसे मिक्स कर लेंगे इसको। ये वेजीज जो है वो तैयार हो चुका है एंड मैं इसे बाहर निकालूंगी। वही पैन फिर से ले लिया है व्हाइट सॉस बनाने के लिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बटर यानी कि मक्खन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बटर जाता है, इसे हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे मैदा यानी कि फ्लावर एंड इसे डालते ही आपको इसे मिक्स करते रहना है ताकि कोई लम्स ना रहे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर डाला है इसमें एंड मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा भी डाल दूंगी। मैदा एंड जो बटर का जो रेशियो है वो ध्यान से डालना, वरना ये जो व्हाइट सॉस है वो अच्छा नहीं बनेगा। एंड ये इस मैदे को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से। अगर आप इसे अच्छे से नहीं कुक किया इस मैदे को, तो व्हाइट सॉस जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। ये थोड़ा चिपक जाता है, आप इसे ऐसे निकाल सकते हो। आप जितना मैदा डाले उतना ही बटर डालना, जितना टेबल स्पून आप मैदा डाल रहे हो उतना टेबल स्पून आप बटर डालना।
ज्यादा या कम मत करना, तो जो व्हाइट सॉस है वो अच्छा नहीं बनेगा। ये हो चुका है एंड अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। एंड दूध डालते ही इसे अब मिक्स करते रहना ताकि कोई लम्स ना रहे। इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, थोड़ा हाथ दर्द होगा आप लोगों का। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध, ये 1 कप दूध हमने डाल दिया। आपको ये कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है ताकि ये पूरा जो लम्स है ना, ये जो लम्स है वो पूरा चला जाए। जो स्पैचुला है वो चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे ये जो लम्स है उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसे प्रेस प्रेस करके आप जो लम्स है वो इस दूध में मिला दो। फ्लेम आप लो ही रखो, बहुत ज्यादा आप हाई मत करना, तब जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा एंड आपका जो लम्स है वो भी नहीं जाएगा। मैं और 1/2 कप दूध इसमें डाल रही हूँ। फिर से इसे मिक्स 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 बहुत अच्छे से इसे मिक्स करते रहो। थोड़ा हार्ड दर्द करेगा लेकिन जो रिजल्ट होगा ना, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, उससे आपका हाथ का दर्द पूरा चला जाएगा। इसमें डाल देंगे नमक, ये भी आप अपने आपकी टेस्ट के अनुसार डालना। एंड इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर एंड मिक्स 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 मिक्स। फिर से आपको इसे मिक्स कर देना है। ये देखो एकदम एक क्रीमी सॉस हो गया है, देखो आप। ये जब आपका ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, अभी हम जो पास्ता है वो हम इसमें डाल देंगे। धोकर रख दिया था वो पास्ता हम इसमें डालेंगे। एकदम तैयार हो चुका है, रेडी टू सर्व। तो हम इसको सर्व कर देंगे। तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता एकदम रेडी एंड सर्व। आप देख लो बहुत ही यम्मी लग रहा है एंड पूरा बाहर जैसा बना है, बहुत ही क्रीमी बना है। एंड जो मैंने जो टिप्स दिया ना, वो जो लम्स हटाने का वो ज़रूर करना है। एंड जो बटर एंड मैदे का जो रेशियो है वो अच्छे से डालना, वरना ऐसा पास्ता आप नहीं बना सकते हो। तो चलो अभी टेस्ट करने की बारी आ गई है। मुझे तो मुँह में पानी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। आप देखो कितना यम्मी एंड क्रीमी बना है ये। तो चलो अब इसे थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बहुत क्रीमी है एंड
व्हाइट सॉस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, बटर का बहुत एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आप ज़रूर ये रेसिपी घर में ट्राई करना एंड सबको खिलाना। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया हो एंड मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये एकदम फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वाला जो लाल वाला बटन है वो प्लीज़ से प्लीज़ क्लिक कर देना प्लीज़, एंड उसके बगल में जो पोस्ट नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा खुश रहो आप एंड खाना बनाते रहो, खाते रहो एंड बाय।